नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। दोस्तों, अगर आप अपनी स्किन को क्लीन रखना चाहते हो, अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो आपको टोनर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टोनर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टोनर अगर हम यूज करते हैं तो हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं और जो गंदगी होती है उसे निकालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। जी हाँ दोस्तों, गंदगी जो होती है बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है टोनर, और साथ ही हमारे फेस पर एक ग्लो भी लाता है और जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टोनर मिलते हैं, लेकिन आप चाहो तो घर में भी टोनर बना सकते हो। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसा ही DIY टोनर शेयर करने वाली हूँ, जो है खीरे और पुदीने का बना हुआ। जी हाँ दोस्तों, खीरा और पुदीना जो आजकल गर्मियों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, वो हमारे स्किन को सारा दिन फ्रेश बनाने में हमारी हेल्प करता है, साथ ही स्किन रिलेटिव जो प्रॉब्लम है उन्हें दूर रखता है। आपको ये टोनर कैसे तैयार करना है, चलिए आगे वीडियो में मैं आप लोग को बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये वीडियो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस टोनर को बनाते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ सामान लिया है। यहाँ पे आधी कटोरी पानी है, जो उबला हुआ पानी, अगर आप चाहो तो ओरो वाटर भी ले सकते हो। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे पुदीना। दोस्तों, आजकल बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, मुहासे वगैरह दूर करने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही आपको बता दें, सबसे ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, तो ऑयल को सोखता है और जो ओपन पोर्स होते हैं उसकी सफाई करने में बड़ी ही हेल्प करता है हमारी। दोस्तों, अब मैं ले रही हूँ खीरा। खीरा भी 96% पानी से बना होता है। गर्मियों के सीज़न में हमारी स्किन में पानी की कमी हो जाती है, तो खीरा जो होता है पानी की कमी पूरी करता है, साथ ही हमारी स्किन को ठंडक देता है। और इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे विटामिन होता है, विटामिन ए, पोटेशियम, जो हमारी स्किन के कलर को फेयर करता है, मुहासे, पिंपल्स, इन सब चीज़ों को दूर करता है, और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर खीरे को कद्दूकस कर लिया है और इसे डायरेक्टली पानी में डाल दूँगी। आप चाहो तो पानी की जगह केवल खीरे का रस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर खीरे का रस का नहीं बल्कि पानी के साथ ये टोनर तैयार कर रही हूँ। दोस्तों, अब मैं जो चीज़ ले रही हूँ वो है एलोवेरा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। अगर आपके पास प्लांट का एलोवेरा है तो आप प्लांट वाला जेल लो, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दोस्तों, आप यहाँ पर आपको बता दें, जो एलोवेरा होता है उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होता है, एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मुहासे वगैरह को दूर करता है, और एंटी ऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे और एक ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए यूज़ छोड़ देंगे। दोस्तों, हमारा टोनर बनके तैयार है। पूरी रात के लिए हमने इसे बाहर यूं ही छोड़ दिया था, और अब आप देख सकते हो इसकी पत्तियां हैं जो वो फूल गई हैं, खीरा जो है वो फूल गया है। और इस पानी में खीरे और पुदीने और एलोवेरा के जो गुण हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो सारे इस पानी में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे। दोस्तों, ये जो पानी है इसे हम एक स्प्रे बोतल में भर के रखेंगे, और हाँ दोस्तों, इसे हम बाहर नहीं रखेंगे। ये टोनर 15 दिन तक चलने वाला है, लेकिन हम इसे फ्रिज में रखेंगे, बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा। बनाना जितना ज़्यादा इजी था, उतना ही ज़्यादा इसको यूज करना है। दोस्तों, आप मेकअप के पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में कोई मेकअप करना चाहते हो, घर में भी हल्का फुल्का मेकअप करते हो, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, गर्मियों का सीजन चल रहा है, गर्मियों में हमारी जो स्किन में पानी की कमी हो जाती है, जिससे हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, हमारी स्किन की नमी बनाने के लिए, मॉइस्चर बनाने के लिए हम टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये टोनर लगभग 15 दिन चलता है, तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, और दिन में जब भी आपकी स्किन को लगे कि अब हाइड्रेट करने की ज़रूरत है, उसे नमी देने की ज़रूरत है, तो आप एक दो पंप, एक दो स्प्रे अपने फेस पे कर सकते हो, कुछ ऐसे। मुझे स्प्रे करना था, इसलिए मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया था। तो दोस्तों, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिन में आप कई बार गर्मियों में अपने फेस को मॉइस्चर देने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो, अगर क्लीन करने का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप इसके बाद रुई से अपने फेस को पोंछ सकते हो, कॉटन से अपने फेस को पोंछ सकते हो। इस तरह आप दिन में कई बार इसको यूज करोगे तो फेस की जो नमी है वो बरकरार रहेगी, और आपका चेहरा पूरे गर्मी काला नहीं पड़ेगा, आपका चेहरा दिन भर
ग्लो करेगा। इसे लगाना बहुत ही ज्यादा इजी है और इसका इफेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आई होप ये जो मेरा आज का वीडियो है आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।